वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर अन्नी। तो गाइस कैसे हैं आप सब? ये मेरी पहली वीडियो और आज की वीडियो में है मैं विंटर्स रिलेटेड, विंटर्स में हमारी स्किन कैसे डल डैमेज हो जाती है। तो ऐसे में हम बहुत तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत ही मेहनत करके यूज़ करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है गाइस। तो इसलिए मैं आज आप लोग को एकदम सिंपल सी रेमेडी और बहुत ही ईजी सी रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो हम घर पर ईजिली बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं वेस्ट किए बिना। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस मास्क को प्रिपेयर करना है। और ये बहुत ही ईजी है बिकॉज ये सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसमें हमें, और ये मास्क आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। मास्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक चम्मच मिल्क लेना है और एक चम्मच हनी लेनी है। दोनों बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि ये अच्छे से एकदम मिक्स हो करके जेल जैसा ना बन जाए, जब तक कि एकदम मास्क जैसा ना बन जाए तब तक हमें इसे अच्छे से एकदम चलाते रहना है गाइस। तब तक चलाते रहना जब तक ये अच्छे से एकदम मास्क जैसा ना बन जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये मास्क जैसा बन गया है। सो गाइस अब देख सकते हैं कि इस मास्क की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, और अब मैं आपको इस मास्क को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो गाइस मिल्क जो हमारे स्किन की क्लींजिंग बहुत अच्छी तरह से कर देती है एंड साथ में मॉइस्चराइज भी करती है, और हनी जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं हनी में, जो हमारे स्किन को एक्ने से होने से बचाती है और हमारी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करती है, साथ में डीप मॉइस्चराइजेशन भी प्रोवाइड करती है गाइस। तो इसलिए हनी एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन जो है ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है गाइस। तो आप इसे अप्लाई कर लें, मैंने अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लिया है गाइस। आप चाहें तो अपनी इसे अपने नेक एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है गाइस। एंड अब मैं इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी गाइस, उसके बाद मैं इसे अपने पूरे इसे अपने वॉश कर लूँगी। मैंने इसे अपने फेस पर 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करके छोड़ दिया था एंड अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट मिलता है। अब देख सकते हैं कि मास्क को वॉश करने के बाद मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, एकदम से ग्लोई हो गई है। और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन भी डेफिनेटली ग्लोई हो जाएगी गाइस। तो प्लीज़ इसे ट्राई करके देखिए, अगर आप कोई अगर ये इफेक्ट करता है तो प्लीज़ आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि वीडियो में आपको वीडियो से आपको हेल्प मिला या नहीं मिला। और गाइस इसके बाद आपको कुछ नहीं, बस सिंपली मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।